यार वेलकम बैक टू रेसल रिपोर्टर। मैं हूं आपका रिपोर्टर प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर के WWE कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि आखिर ब्रॉक लेसनर का WWE कॉन्ट्रैक्ट कब तक खत्म होने वाला है। और इसी के साथ साथ हम आज की इस वीडियो में कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर कल होने वाली मंडे नाइट रॉ में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो कल UFC में रिटर्न करके ब्रॉक लेसनर ने क्या कुछ किया उसके बारे में तो आप सभी को अभी तक पता चल ही गया होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें उनके WWE कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि आखिर ब्रॉक लेसनर WWE में कब तक रुक सकते हैं, तो यहाँ पर डेव मेल्जर की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, जहाँ डेव मेल्जर का ये कहना है कि ब्रॉक लेसनर का WWE के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगस्त में जाकर खत्म होने वाला है। डेव मेल्जर ने बताया कि ब्रॉक लेसनर का WWE कॉन्ट्रैक्ट अगस्त में जाकर खत्म होगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से WWE में ब्रॉक लेसनर अभी एक ही मैच लड़ सकते हैं। मतलब कि अगर ब्रॉक लेसनर WWE के साथ आगे चल के कोई नई डील साइन नहीं करते हैं तो इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं कि ब्रॉक लेसनर SummerSlam में मैच भी लड़ेंगे और वो यहाँ पर टाइटल भी हार सकते हैं। खैर, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि डेना व्हाइट ने ये कंफर्म कर दिया है कि आगे चल के हमें डैनियल कॉर्मियर और ब्रॉक लेसनर की फाइट जरूर देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ डेना व्हाइट ने ये भी बताया कि ब्रॉक लेसनर UFC में अगर कोई मैच लड़ते हैं तो इससे WWE को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी हम यहाँ पर बात कर लें कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो सबसे पहले तो साशा बैंक्स और बेली के बीच में वही डॉक्टर वाला खेल होने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि एक्सट्रीम रूल्स में इनका कोई मैच देखने को मिलेगा तो आप बिल्कुल ही भूल ही जाइए कि एक्सट्रीम रूल्स में इनका कोई मैच देखने को मिलने वाला है। खैर, भले ही WWE इन दोनों का मैच एक्सट्रीम रूल्स में ना कराए, लेकिन कल होने वाली मंडे नाइट रॉ में हमें एक बहुत ही बड़ा मैच कन्फर्म होते हुए दिखाई दे सकता है, जो कि हो सकता है ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस केविन ओवेंस स्टील केज मैच। जैसा कि आप सभी ने लास्ट वाली मंडे नाइट रॉ में देखा था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन और केविन ओवेंस का एक मैच हुआ था जहां से केविन ओवेंस भाग ही गए थे, जिसके बाद काउंट आउट से इस मैच को खत्म कर दिया गया था। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि कल होने वाली मंडे नाइट रॉ में कर्ट एंगल हमें ये अनाउंस करते हुए दिखाई दे जाएं कि एक्सट्रीम रूल्स में हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन और केविन ओवेंस का एक स्टील केज मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सट्रीम रूल्स में फिन बैलर वर्सेस बैरन कॉर्बिन का मैच भी होने वाला है। तो इसके चलते WWE यहां पर इन दोनों की स्टोरी को भी काफी ज्यादा हाईलाइट कर रही है। मतलब कि कल होने वाली मंडे नाइट रॉ में हमें इन दोनों के बीच भी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पर रोमन रेंस और बॉबी लैसले वाली स्टोरी के बारे में बात करें तो WWE यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अभी रोमन रेंस के खिलाफ सभी के सभी रेसलर्स हो गए हैं। मतलब कि डॉब जिगलर, ड्रू मैकइंटायर, द रिवाइवल्स, बॉबी लैसले सभी इनके खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन WWE का जो मेन फोकस है वो है रोमन रेंस वर्सेज बॉबी लैसले की स्टोरी। तो फिर जिस तरह से WWE इन दोनों की स्टोरी को आगे बढ़ा रही है, और ऊपर से कल होने वाली मंडे नाइट रॉ तो एक्सट्रीम रूल्स से पहले की आखिरी रॉ भी होने वाली है, तो फिर ऐसे में आप ऐसा सोच सकते हैं कि कल होने वाली मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस और बॉबी लैसले के बीच कोई लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। तो यार, क्या लगता है आपको, कैसी होगी कल होने वाली मंडे नाइट रॉ? और इसके अलावा आपका ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या कहना है, कब हारेंगे वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में।